साथियों, जय निषाद राज। साथियों, मेरे साथ कुछ दुर्घटना बहुत दिन से घट रही है, मैं बहुत परेशान हूँ। अभी देखिए, मैं आप लोगों के सामने अभी प्रेस वार्ता भी की थी और कुछ दबंग लोग हमें काफ़ी परेशान कर रहे हैं, जो लोग ब्राह्मण समाज से भी हैं, मुस्लिम भी हैं और दो यादव भी हैं। मैं इसलिए आज तक चुप रही कि लोग जो है यहाँ पे जंगल राज है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन हमारे आजमगढ़ के सांसद अखिलेश यादव जी हैं, उनके तरफ ये बात नहीं पहुंच पा रही है और मैं पहुंचाने की कोशिश भी कर रही हूँ, आज तक हो सकता है पहुंच जाएगी हमारी बात। मैं इसलिए परेशान हूँ, लोग हमको काफ़ी दिन से, होली के दिन से ही हमको कुछ उत्पीड़न कर रहे हैं, हमारे ऊपर शोषित कर रहे हैं। हम लोग मारने का दबाव दे रहे थे, बहुत कुछ कहे। और आज की जो घटना बता रही, हमारे घर शायद बगल में चोरी हो गया था, किसका हुआ था ये हमको नहीं पता है, लेकिन छोटा सा लड़का था 16-17 साल का, उसको लोग 35 से 40 लोग घेर के मार रहे थे, उसे घर में घुस के मार रहे थे। मैंने समाज हित के नाते बस इतना ही कहा कि जो है संक्रमण बढ़ रहा है और आप लोग इस तरीके से 40-45 लोग घेर के मत मारिए, वह मर जाएगा। तो मैं इतना ही कही, उसके बाद वह लोग हमसे लगे कहने, तो हम बहुत हाथापाई भी हो गई हमारे बीच, सभी लोगों के बीच में। मैं सिर्फ इतना ही कही कि मैं पुलिस को फ़ोन करती हूँ। लोग कहें पुलिस के माने कुछ नहीं है, ऐसे अभद्र भाषा का प्रयोग किया उन लोगों ने। और मुझे बहुत दुख हुआ कि हमारे समाज के लोग, काफ़ी लोग जानते हैं इस बात को, लेकिन कोई हमारा साथ नहीं दे रहा है। बड़े बड़े लोग, एक से एक नेता, मंत्री, विधायक किस लिए बैठे हैं? आज समाज की बहन बेटी परेशान है और लोग आवाज़ तक नहीं उठाना जरूरी समझ रहे हैं। मुझे बहुत दुख हो रहा है, लेकिन मैं हार मानने वाली में से नहीं हूँ। मैं हूँ तो वीरांगना फूलन देवी की वंशज हूँ, मैं उनकी खून खानदान हूँ, मैं उनकी वंश की हूँ, मैं हार मानने वाली नहीं हूँ। मैं यह लड़ाई लड़ के रहूँगी, लेकिन सवाल इस बात की है बस कि मैं थाने पे गई थी, अपनी सारी बात कही, अप्लीकेशन दी, फ़ोन, आज विदाउट ड्रेस में दो पुलिस भी आए थे, दो पुलिस आए तो वह लोग, जैसे ही हम जिन लोगों का नाम दिए थे उन लोगों का नाम सामने हुआ खुलासा, तो पुलिस लोग कह रहे हैं अरे दोस्त होगा, जाने दीजिए, मत इस बात पे लीजिए। यानी कि पुलिस वाले भी उनका रिश्तेदार हैं, और पुलिस वाले विदाउट ड्रेस में क्यों आए थे, ये सवाल है मेरा। और मैं जब ये बात पूछी, वो फिर वो ये बोले कि आपका बार बार फ़ोन आ रहा है थाने पे, तो मैंने उनसे कहा कि मैं बार बार फ़ोन थाने पे नहीं की हूँ, मैं सिर्फ अप्लीकेशन देने गई थी, यहीं से वो पकड़ा गए। फिर उन्होंने कहा मैं जिसका आप नाम दिए हैं, बड़का छोटका और जिसका जिसका भी नाम दिए हैं, मैं उनके घर गया था। तो मैं ये भी बोली हूँ कि आप उनके घर गए थे तो थे, लेकिन ये बताइए आप मेरे लिए आए हैं कि उनके लिए आए हैं, वो आपके हितैती हैं। इतना ही बात पे पुलिस वाले हमको गाली वाली देने लगे हैं, गाली वाली देते हुए चले गए हैं। और अभी इस समय की मैं हालात ये बता रही हूँ कि मेरे घर के बाहर 40-45 लोग बाहर खड़े हैं मुझको लाठी डंडा ले करके, और एक लाठी भी मुझको मारे हैं। मैं बाहर थी, समझौता के लिए बुलाए थे, मैं नहीं मानी, मैं बोली ये समझौता नहीं है। आए दिन हत्याएं हो रही है, आए दिन शोषण हो रहा है लड़कियों से ले करके, किसी को भी मार के आप लोग चले जा रहे हैं, मैं इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करूँगी, मैं लड़ाई लड़ूंगी। तुरंत तीसरी बात से मेरे पेट के ऊपर जो है एक लात मार दिया वो, और मुझे बहुत तकलीफ हुई। साथियों, मैं बताइए मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे समाज के सारे नेता, विधायक, मंत्री कहाँ हैं, मेरा प्रश्न है। मैं बहुत परेशान हूं, मेरे जान को खतरा है, मैं घर से भी बाहर नहीं निकल पा रही हूं, मैं बहुत परेशान हूं। मैं अपने यहाँ SP साहब को भी फ़ोन की, जितने पार्टी के नेता हैं सबको फ़ोन की थी, कोई भी मेरा फ़ोन ना रिसीव किया, ना मेरा कोई मदद किया। मैं यह दिन याद रखूंगी, मुझे होली से लेकर आज तक पीड़ित किया जा रहा है, और मैं सिर्फ इसलिए पीड़ित किया जा रहा है कि तुम घर में रहो, तुम अपने समाज का काम मत करो, तुम समाजवादी में मत करो, तुम किसी भी समाज से मत जुड़ो, तुम घर में रहो। मैं क्यों घर में रहूं? आज के लोकतंत्र की दुनिया है, आज के डेट में संविधान महिलाओं को कितना आगे कर दिया है, हम क्यों अंदर रहें? हम बहुत ही परेशान हैं। आप सभी लोगों से गुजारिश है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और
सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा मदद करिए, आप इस समय हमारा मदद नहीं करेंगे तो झूठ में आप लोग मत लिखा करिए कि सपना बहन मैं आपके साथ हूँ, सपना बहन मैं आपके साथ हूँ। मैं बहुत ही परेशान हूँ, मैं यहाँ से सोचे कि निकल जाऊँ, मैं निकलना भी चाहती हूँ तो बाहर लोग घेर के बैठे हुए हैं, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज़ मेरी हेल्प करिए। और आज तो यह फील हो रहा है, सिर्फ यह फील हो रहा है कि यह भारतीय जनता पार्टी रहते रहते बेटियां कभी सुरक्षित नहीं रह सकती हैं। हर जगह उत्पीड़न किया जा रहा है, अपने समाज के लोगों को उत्पीड़न किया जा रहा है। मैं चाहती हूँ एनके साहनी भैया को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, उन्होंने मेरा जब से मेरी हाल सुनी तब से मेरी मदद कर रहे हैं और फ़ोन कर रहे हैं। मैं कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है साथियों, मैं सिर्फ यह चाहती हूँ अगर आप लोग अपनी बहन के साथ रहेंगे तो कल अगर आपकी बहन जिंदा रहेगी तभी ना आप लोगों के साथ रहेगी। मेरे सभी प्रिय भाई बड़े छोटे जो भी हैं, मेरे सभी फेसबुक मित्र, कुछ नहीं तो कम से कम मेरा हौसला बढ़ाइए ताकि मैं यह लड़ाई ज़रूर लड़ूं। दो ब्राह्मण हमको होली के दिन से ही उत्पीड़न कर रहे हैं, मैं बहुत ही परेशान हूँ। और जो ये बड़का छोटका नाम से लोग जाने जा रहे हैं, यह लोग सरपुतीनपुर के रहने वाले हैं शायद, यह लोग काफ़ी दबंग टाइप हैं। यह लोग आज भी आए हुए मारने और हमसे यह लोग सुबह धमकी तो दिए थे लेकिन बाहर हैं। मैं एसपी साहब को भी फ़ोन की थी, एसपी साहब फ़ोन कर उठाते ही कहें मैटर बताइए, जैसे ही मैं मैटर बताई तैसे ही फ़ोन काट दिए। उसके बाद मैं सबको फ़ोन मिलाई, तहसीलदार से लेके सबको फ़ोन मिलाई, किसी का फ़ोन इस समय रिसीव नहीं हुआ। फिर मैं कुछ नहीं मिला तो मैं जो है सोशल मीडिया का सहयोग ली। आप सभी लोगों की अगर साथ रहेगा तभी हम अपनी लड़ाई लड़ पाएंगे। और महिला होकर के मैं अकेले इतना दम रखती हूँ एक दो ब्राह्मणों को पकड़ने में, तो आप लोग हमारा साथ दीजिए, आप लोग हमारा साथ दीजिए। मैं काफ़ी परेशान हूँ इस वक्त और आपको विश्वास नहीं है, मैं अंधेरा है बाहर, लाइट वाइट नहीं है, क्योंकि बाहर जो द्वार होता है जो गांव के सब तरफ उधर लाइट वाइट नहीं लगा है, इधर लोग खड़े हैं पेड़ की तरफ खड़े हैं। मैं अभी गई थी, मेरी छोटी बहन यहीं बगल बैठी है, लोग मेरे पेट में मार दिए हैं, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, खाने की इच्छा। लेकिन एक चीज़, चाहे सत्ताधारी हो, चाहे ब्राह्मण ठाकुर हो, चाहे कोई भी हो, एक बात मेरी सुन लीजिए कि वो गया जमाना जब आप पिछड़े वर्ग को शोषण करते थे, परेशान करते थे, खन करके गाड़ दिया करते थे, वो जमाना गया। वह जमाना गया जब आप ऊँचे बैठते थे और हमारे लोगों को नीचे बैठाते थे। अब वह जमाना आ गया है कि अगर आप रे करेंगे तो हम भी रे करेंगे, अगर आप तुम करेंगे तो हम भी तुम करेंगे, हम ना आपसे कम है ना आपकी कमजोरी को हमारे लिए दिक्कत होगी, हमारी कमजोरी को आप क्या छूने की कोशिश करेंगे, मैं आपको एक दिन चूर चूर कर दूंगी। इतना तुम मैं बता दे रही हूँ अपने निषाद वंश के लोगों को कि मैं अपने हौसले पर विश्वास रखती हूँ, अपनी ताकत पर विश्वास रखती हूँ, जो माँ मुझे जन्म दी है मैं उसके उस माँ पर हम विश्वास रखते हैं और मुझे किसी चीज़ की विश्वास नहीं है। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ। अंशिका देखो दरवाजे पर सब खड़े हैं, अभी भी चले गए, देखो देखो लाठी उठी लेके सब खड़े थे, देखो मम्मी को जो है देख लो, देख है सर हटो, देखे देख के बताओ जल्दी, देखे मत्ता को है तू, अभी मैं जाऊंगी, है सब क्या ठो है सब 20-25 ठो, अभी 20-25 ठो है, चलो ठीक है रहेंगे, अभी देख रहे मम्मी को अंदर रहने, साथियों देखिए अभी भी सब हैं। मैं बात कर रही हूँ लगातार सभी लोगों के साथ, बात हो रही है काफ़ी देर से, देखिए अभी भी एक लड़की को जो है मारने के लिए आज 25 लोग, आधे घंटे पहले कम से कम 45-50 लोग थे,
एक लड़की को मारने के लिए एक बैकवर्ड की लड़की अगर मेहनत कर रही है, बोल रही है, अगर कुछ लिख पढ़ रही है, तो उसको मारने के लिए उसको शोषित किया जा रहा है, उसको परेशान किया जा रहा है, आए दिन अत्याचार बढ़ रही है हमारे समाज के लोगों को। हमारे समाज के लोग भाई लोग कब जगेंगे, मुझे इस बात से बहुत चिंता है। हमारे भाई लोग जो सबका तारीफ करते हैं ना, वह लोग एक बार अपनी समाज की बहन को भी देख लें कि आज पीड़ित किए जा रहे हैं हम, हमारे साथ कोई समाज का भाई नहीं खड़ा हो रहा है। अगर आज नहीं खड़ा होगा, अपनी बहन के लिए नहीं खड़ा होगा, तो किसके लिए खड़ा होगे आप? हमसे बस इतना ही कहना चाहते हैं, और भी हम आप सारी जानकारियाँ आपको अपडेट कराते रहेंगे। और मैं बहुत परेशान हूँ, अभी मैं रियाजी साहब को फ़ोन मिलाने जा रही हूँ, देख लूँ कि उनका क्या जो है कि वो हमारे लिए क्या मदद कर रहे हैं, फिर हम आप लोगों से कल सुबह फिर लाइव आएंगे। धन्यवाद साथियों। और मैं आपको बता दे रही हूँ कि मैं बहुत ही घबराई हुई, बहुत घबराई हूँ। बताइए, जिसके पीछे इतने लोग पड़े हुए हैं, कैसा क्या फील होगा उसके ऊपर। मैं बहुत घबराई हुई हूँ, बहुत परेशान हूँ, लेकिन हाँ, मैं बस आप लोगों से इतना ही कह रही हूँ, आप लोग हमें हिम्मत दीजिए बस। और मैं अभी लाइव बंद करती हूँ, मैं देखूँ बाहर का माहौल क्या है। मेरे लिए खतरा आए दिन बढ़ता ही जा रहा है, मैं समाज का काम ना करूं, यही लोग चाहते हैं, लेकिन ये होने वाला नहीं है साथियों। बस मैं यहीं से अपनी बाड़ी को विराम करती हूं। जय समाजवाद, जय निषादराज, सभी साथियों को शुभरात्रि।